सिर्फ 20 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट मिठाई जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर कोई से भी ले सकते हैं और मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी बाउल सेट कर लें, उसी से ही हर चीज मेजर करें, इससे कि आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। अब उसी कप से मैं चीनी ले रही हूँ। यहाँ पे चीनी मैंने 4 चम्मच लिया है, इतना इनफ है इस मिठाई के लिए। और उसी कप से मैंने 1 कप दूध लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध डाल के यहाँ पे पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दूध आप धीरे धीरे डालें और इसको पहले अच्छे से मिक्स करते जाएं, इससे क्या है लम्स नहीं बनेंगे इसमें। यहाँ पे जो मैंने मिल्क लिया है वो उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर पे है, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप इसमें ठंडे दूध का यूज ना करें। तो हम मिठाई बना रहे हैं ना, ये आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको बना रहे हैं तो भी आप पहली बार में इसको परफेक्ट बना लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मिल्क लिया है जिसमें मैं कुछ केसर के धागे डालूंगी। ये गर्म दूध नहीं है, नॉर्मल है रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन चढ़ा देंगे गैस पे और इसको आपको कंटिन्यूस चलाना है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखनी है, हाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, और कंटिन्यूस इसको चलाते रहे। बस यहीं पे आपकी 10 मिनट की मेहनत लगेगी और ये मिठाई बनके रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारी जो यहाँ मिठाई की मिक्सचर है वो गाढ़ी होती जा रही है, और साइड साइड की जो एजेस हैं इसको भी आपको चलाते रहना है ताकि साइड में लगे नहीं। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे हमारा जो मिठाई का मिक्सचर है वो गाढ़ा होते जा रहा है। आप बहुत ही इंस्टेंट तरीके से इसको बना सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए मुझे चलाते हुए, और यहाँ पे जो हमने केसर वाला दूध रखा था उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये सारा जो मिक्सचर है एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। आप यहाँ पे फ्लेवर के लिए इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, बट ये इसी तरीके से ही बहुत टेस्टी लगेगी आपको। इसमें हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही चीज़ों से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच घी, ये देसी घी डाला है मैंने, और इसे आप ज़रूर डालिएगा। इससे क्या है जो मिठाई हमारी है ना स्टिकी नहीं बनेगी, वो दांतों में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मिक्सचर आप देख रहे होंगे कि ये बाइंड होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्पैचुला है इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे मिठाई का जो मिक्सचर है बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे इसमें मिठाई नहीं चिपक रही है हमारी। अब यहाँ पे मैं एक प्लेट ले रही, चाहे थाली आप जिसमें भी इसको डालना चाहे, इसे ग्रीस कर लें घी से और उसके बाद इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं इसमें शेप दे रही हूँ स्क्वायर का, ताकि इसको जो कटिंग करने में इजी भी हो और दिखने में भी अच्छी लगे। आप चाहे तो इसको मोल्ड में भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से प्लेट में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिठाई जो है स्क्वायर शेप की बनाना चाह रही हूँ, आप चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हैं, और इस तरीके से मैंने इसको शेप में इक्वली कर लिया है। अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तो इसे बाहर रख के रूम टेम्परेचर पे आने दें या फिर आप फ्रिज में इसको रख दें 10 मिनट के लिए, ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज पे रखा था और ये अच्छे से सेट हो गया और हाथ में बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है। के बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स से मैंने गार्निश कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो गार्निश कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखने में सिर्फ बहुत सुंदर लगता है इसलिए मैंने गार्निश किया है। के घर में गेस्ट वगैरह हैं तो इस तरीके से गार्निश कर दें, उसको बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में उनको पता ही नहीं लगा कि आपने इसे घर में बनाया है। ये इतनी बढ़िया और इतनी टेस्टी बनती है। इसे यहाँ पे मैंने पीसेस में कट कर लिया है, तो देख सकते हैं आप ये देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। ये एक बार में ही मुँह में जाने के बाद घुल जाएगी आपकी। तो इस रक्षाबंधन आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस मिठाई को और मुझे शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज पे फॉलो ज़रूर कीजिए।